बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात वाक़ात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान दाखिली तौर पर भी इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। दाखिली अदम इस्तेहकाम, वो सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, वो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए हम हर मामले में दुनिया भर की जो एक रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, बुनियादी इंसानी हकूक का मामला हो, मईशत का मामला हो, शहरी आज़ादियों का मामला हो, सियासी आज़ादियों का मामला हो, हर मामले में पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और इसका सेहरा, इसका क्रेडिट जो है वो मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड सरकार से लेके जो इस वक्त तक इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर जो मुसल्लत किए गए हैं, ये सारे का सारा सेहरा उनको जाता है कि उन्होंने अपनी नाअहलियों की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपनी एक फसाइत की वजह से पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दिया कि हम ना घर के रहे, ना घाट के रहे, और ना ही हमारी कोई दाखली पॉलिसी है इस वक्त, और ना ही हमारी कोई खारजा पॉलिसी कामयाब है। खारजा पॉलिसी भी हमारी पर इंतहाई बदतरीन अंदाज में वो नाकाम हो चुकी है। और हमें इस वक्त ना ही अपने दोस्त ममालिक पूछ रहे हैं, ना ही हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर पूछ रहे हैं, और बाकियों ने तो पूछना ही क्या था। इस वक्त हम पूरी दुनिया में अगर हमारे वज़ीर आज़म पहचाने जाते हैं तो वो पहचाने जाते हैं कि वो इमदाद लेने वाले एक भिखारी प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा उनकी कोई और पहचान नहीं है। उनको बड़े ज़ौक शौक से लाया गया था, बड़े चाव से लाया गया था, लेकिन तकरीबन 27 महीने हो गए हैं उनको तमाम तर सहारों के बावजूद हम अभी तक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि हम मजीद गहराइयों में जो है इंतहाई नाकामियों की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं और घिरते जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो खबर है हमारी नाकामियों की। और अब नाकामियों की दास्तान जो है वो दुनिया भर में फैल चुकी है। हमारे वजीर दाखिला क्यों हम नाकाम हैं? हमारे वजीर दाखिला पार्ट टाइम वजीर दाखिला हैं, वो पार्ट टाइम पीसीबी के चेयरमैन हैं, और वो सेनेटर भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं, वो क्रिकेट को भी देखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और ख़ास तौर पर वो फिर खसूसी एलची भी हैं। तो जब आप एक ऐसे, और उनका वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी, बतौर सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं, और वो एक दो टीवी चैनल्स को भी चलाते रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उनमें खूबी नहीं है, जो जिसके वो एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वो उनसे काम नहीं लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठ के मैं माहिर मईशत बन जाऊँ और मैं कहूँ, मुझे कहा जाए कि जी आप मुशीर ख़जाना आके आज शुरू कर दें, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, मुशीर ख़जाना भी हैं, सब कुछ हैं, तो मैं हर फील्ड में नाकाम ही नाकाम हूँगा। और इसका नुकसान किसको होगा? मुझे तो ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुँच जाएगा और मुझे लगाने वाले को भी फ़ायदा पहुँच जाएगा, लेकिन नुकसान होगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का, और वो हो रहा है। इसलिए जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो जहाँ से आए, जैसे आए, वो हम सब के सामने हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारे वज़ीर ख़ारजा वो कहाँ से आए हैं? वो उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो समझी हैं, और इससे बड़ी और कोई खूबी नहीं है। फिर वो अकाउंटेंट हैं, पेशे के अतबार से अकाउंटेंट हैं, लेकिन इस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा हैं और वो खारजा पॉलिसी को देख रहे हैं। ये है हमारा हाल। पाकिस्तान जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक मुल्क है, एक तरफ आपके ईरान बैठा है, एक तरफ अफगानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, और उसके बाद फिर हमारे आगे चले जाएँ तो हमारी बहुत ही नाजुक पोजिशन है। और उस नाजुक पोजिशन में हमने वज़ीर ख़ारजा कौन सा रखा हुआ है? अकाउंटेंट, और जो कि वज़ीर ख़जाना के तौर पे भी नाकाम रहे, और उनको हमने वज़ीर ख़ारजा बना दिया अपग्रेड करके कि जाएं और अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मिलियामेट करें, उसको तबाह बर्बाद करें, और अगर किसी मुल्क के साथ कोई सलाम दो है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका प्रोटोकॉल जो है वो नंबर टू पर होना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी तमाम वज़ीरों से ऊपर हूँ, क्योंकि मैं समझी हूँ, इसलिए वो ये भी काम भी कर रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ वो वजारत ख़जाना के हर मामले में टांगड़ आते हैं और वो अपना मुकम्मल तौर पे नज़र रखते हैं, क्योंकि एफपीआर के बगैर वो चल नहीं सकते, स्टेट बैंक के बगैर वो चल नहीं सकते, और इक्तसादी उम्र के बगैर वो चल नहीं सकते। तो ये रिश्तेदारों की एक रिश्तेदार और ऊपर नाअहल, और वो सबको जमा किया हुआ है। इस तरह आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अमेरिका के सफ़र पर हैं, इतला यही है कि अमेरिका के सफ़र पर हैं, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका का विज़िट किया और वो क्रिकेट शिरकट खेलने आए थे, खिलाने आए थे, लेकिन क्रिकेट में जो कुछ हुआ हमारा T20 में, वो हम सब के सामने है, और हम पहले राउंड में ही फारग होकर चले गए, और उसके बाद उन्होंने सारा मलबा भी क्रिकेट टीम भी डाल दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये खिलाड़ियों ने आपस में सही नहीं खेला, तो बुनियादी तौर पर नहुसत है और कुछ भी नहीं है। बहरहाल नकवी साहब आए और नकवी साहब ने मुलाकातें की, और मुलाकातें करके अपनी
माहिराना तरीके से, और फिर पिछले दिनों खुफिया दौरा भी किया और इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई और किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट, कोई तस्वीरें, कोई खबर नजर नहीं आई। लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से अकवाम मुत्तहदा की जो रिपोर्ट है उसको रुकवाया जा सके। वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट नहीं रोक सकी, अकवाम मुत्तहदा ने वो रिपोर्ट नहीं रोकी और वो रिपोर्ट शाया की। 17 पेज पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है और वो इन हुक्मरानों के खिलाफ, इन हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब हों, क्योंकि आपने किसी भी शख्स को माफ़ नहीं किया और ऐसे ऐसे बेहुदा मुकदमात बनाए जो कि पूरी दुनिया में मजाक बने हुए हैं। लिहाजा अकवाम मुत्तहदा ने उन ना ही पीसीबी के चेयरमैन की सुनी, ना ही वजीर दाखिला की सुनी, ना ही सहाफ़ी की सुनी, ना ही सेनेटर की सुनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा लाइक फाइक हैं, लिहाजा हम इतने, हमारा अप्रोच नहीं है कि हम आपकी बातों को समझ सकें। लिहाजा वो विजिट इंतहाई नाकाम रहा। और अब होना तो ये चाहिए कि वजीर खारजा जाते और वजीर आजम साहब जाते, आगे निकलते, कुछ करते, लेकिन आर्मी चीफ को दोबारा निकलना पड़ा है। और आर्मी चीफ जो हैं वो निकले हैं अमेरिका की तरफ और उनकी कोशिश है कि ये सारे डैमेज को, कोलेटरल डैमेज जो हुआ है इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन मुझे जो मुझे लगता है कि ऐसा लग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि एक पूरी की पूरी पॉलिसी होती है एक स्टेट की, जो स्टेट की पॉलिसी हमें अमेरिका की नज़र आई, क्योंकि अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते, तो उसकी जो पॉलिसी नज़र आई वो ये आई कि 368 मेंबर्स जो हैं वो आपके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमा चल रहे हैं उन पर आवाज़ उठाई है, बुनियादी इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं उन पर आवाज़ उठाई है। और ये किसी ने भी अंदर से, किसी ने ये नहीं है कि किसी ने बहुत काम किया हो, क्योंकि पिछले 27 महीनों से हर चीज़ नज़र आ रही है। और आलमी ज़राए बराग, कौन सा वो आलमी जरीदा है जिसने पाकिस्तान के हालात को रिपोर्ट नहीं किया? और फिर ये कि आप समझते रहे कि ये बर्गर फैमिली है, ये मम्मी डैडी ग्रुप है, इनको कुछ पता नहीं है और ये खिलाड़ी हैं, ये तो खिलंडरे हैं, ये डांस करते हैं, इनके जलसे में कोई नहीं आता, जलसे में आते हैं तो वो आते हैं डांस वांस खेलने आते हैं। तो जब इस तरह का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वही उन्हीं की टीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही टीम जो है वो इस हद तक उनकी ये टीम ने काम किया कि वो हर फोरम पे उन्होंने अपना, अपनी आवाज़ पहुंचाई, अपना नैरेटिव पहुंचाया, खा वो यूरोपीय यूनियन था, खा वो बरतानिया था, यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिका था, हर जगह पे उनकी आवाज़ पहुंची। और ना वहीं नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में यूएई तक, सऊदी अरब तक, उन तमाम मुल्कों में उनकी आवाज़ पहुंची। और इमरान खान साहब इस बात में कामयाब हो गए कि वो बताने में ये कामयाब हो गए कि मुझे जो जेल में रखा हुआ है, मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और वो पोलिटिकल विक्टमाइजेशन है। और ये कहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा जोर शोर से कहा जा रहा था कि जनाब इन्होंने तो, इनकी तो खारजा पॉलिसी बहुत नाकाम थी, इनके खिलाफ तो, इनके हक में तो किसी ने आवाज़ ही बुलंद नहीं की, इनको तो कोई आया ही नहीं। पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम मुल्क छोड़कर चले गए, इमरान खान की वजह से तमाम मुल्क छोड़कर चले गए, हमारे दोस्त सऊदी अरब भी चले गए, यूएई भी चला गया, चाइना को भी नाराज़ कर दिया, ईरान को भी नाराज़ कर दिया, सऊदी अरब को भी कर दिया, अमेरिका को भी कर दिया, बरतानिया को भी कर दिया, यूरोप को भी कर दिया, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अगर वो इतने ही नाकाम खारजा पॉलिसी थी, अगर उस वक्त पाकिस्तान इतना ही आइसोलेट था इमरान खान के ज़माने में, तो फिर ये इतनी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? अब उनकी सपोर्ट में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, अब उनकी फेवर की जा रही है, अब उनके जितने उनके साथ ज्यादतियाँ की गई पिछले 27 महीने से, अब उनके हक में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और वो एक चार्जशीट की सूरत में आ रही हैं। तो अब कहते हैं ये कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है, ये तो बाहर से आए हुए हैं, ये तो बाहर का एजेंडा है। अब इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले भी नाकामियां हुई और अब भी नाकामियां होंगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया जो है वो इतना तो जानती है और बाहर की दुनिया से बेहतर और कौन जानता होगा कि इमरान खान जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है उसकी ना ही सऊदी अरब में कोई जायदाद है, ना यूएई में जायदाद है, ना यूरोप में कोई जायदाद है, ना बरतानिया में है, ना अमेरिका में है, दुनिया के किसी भी कोने में उसकी जायदाद नहीं है। बाहर उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर दौलत नहीं बनाई, दौलत बना के प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उसका सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर दुनिया को भी तो पता है कि करप्ट कौन है। और बड़ी बड़ी जो डॉक्यूमेंट्रीज जो चली वो तो इमरान खान के नहीं बल्कि उन खानदानों के खिलाफ चली जो कि इस वक्त आप लोगों ने मुसल्लत किया हुआ है। तो ये है सूरत हाल इमरान खान साहब ज़्यादा है, इसलिए जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को आई थिंक अमेरिका जाना पड़ा है और शायद वो इस सारी चीज़ों को, इस डैमेज को कवर करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है, मेरा जो मेरी असेसमेंट है और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सबके इरादे, सबके तेवर बदले हुए हैं और कोई भी जो है इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा रिजीम जो है
उसके साथ बातचीत करने के लिए या उसके साथ कोई ऐसा ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बात जो है वो बहुत दूर तलक पहुंच चुकी है। और उसकी वजह यह है कि आपने ना ही मीडिया को छोड़ा, ना ही अदलिया को छोड़ा, ना ही वकला को छोड़ा, किसी को भी माफ़ नहीं किया, और सियासी कारकुनों को तो बिल्कुल ही माफ़ नहीं किया, और सहाफ़ियों के खिलाफ जो कुछ किया वो सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ये सारी जो सूरत हाल है वो हर जगह पे हर इदारे में कहीं ना कहीं पहुंच रही है और कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है, नोट हो रही है। बहरहाल ये सिचुएशन है जी। देखते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो क्या करते हैं और उनका दौरा अमेरिका में क्या वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। दूसरी जानब अगर हम नज़र दौड़ाएँ, एक ये तो है हकीकत कि वो कह रहे हैं झूठे मुकदमात ना बनाएं, लेकिन जो बाकी हमारी पंजाब सरकार है वो मेरा ख्याल है कि और पंजाब सरकार शरीफ फैमिली का ये रहा है कि उन्होंने कभी किसी को माफ़ नहीं किया, बल्कि वो इंतकाम पे यकीन रखते हैं, इंतकाम पे झूठे बेबुनियाद मुकदमात पे वो यकीन रखते हैं, हर दौर में उनके यही हुआ है। और इस वक्त अदालतों का मूड बिल्कुल तब्दील हुआ हुआ है सिवाय काजी साहब के। काजी साहब अपनी जगह पे डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये जाली निज़ाम जो है वो चलता रहे, कायम दायम रहे, बल्कि मुस्तहकम हो और मुस्तहकम हो ताकि उनको भी कुछ मिल सके। सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं को कल बरी कर दिया गया, और उसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, शेख रशीद साहब हैं, और उनके बाद शहरयार अफरीदी हैं, उनको भी बरी कर दिया गया। फैसल जावेद हैं, राजा खुर्रम नवाज हैं, अली नवाज़ अवान हैं और असद कैसर साहब हैं, तमाम मुलजमान बरी कर दिए गए हैं। और इन पे इल्ज़ाम था, थाना आपारा में मुकदमा दर्ज था और ये पहले दौर का मुकदमा था, तो उन सबको आज बरी जिम्मा करार दे दिया गया है। और ये है सूरत हाल इमरान खान साहब की तरफ से, शेख रशीद साहब और देगड़ी की तरफ से, सरदार मसरूफ एडवोकेट और अंसर कियानी थे जी, और जुडिशल मजिस्ट्रेट यासर महमूद ने फैसला महफूज किया था जो कि कल सुना दिया गया। इस तरीके से अदालतें जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं सीरियसली ले रही जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फिर इमरान खान साहब की एक और पटिशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंची हुई है और उन्होंने कर्नल मेजर जो कि उनके ख्याल में आया जेल में अडयाला जेल में कंट्रोल करते हैं अडयाला जेल को और इंतजामियों पर हावी हैं, शोएब शाहीन साहब के ज़रिए ये पटिशन फाइल की है। और कल एतराज़ आयद किया था कि कर्नल और मेजर का नाम क्यों लिखा है जी, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि मेजर और कर्नल को कैसे फ्रीक बनाया जा सकता है, तो हम मेजर या कर्नल को फ्रीक नहीं बना रहे बल्कि वजारत दफा को फ्रीक बनाया है, और मेजर और कर्नल जो वहाँ कर रहे हैं हम उनके बारे में अदालत को बताया है। तो अदालत ने इतराजा दूर करके पटिशन पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी है और वो पटिशन समाज के लिए मंजूर हो गई है। और उसमें ये भी इस पटिशन में कहा गया है इमरान खान साहब की तरफ से, शोएब शाहीन साहब की तरफ से, कि दानिश्ता तौर पर अदालती अहकाम को सबोटाज किया जाता है और सुप्रीम जेल जो हैं उन्हें और वकला को, शोएब शाहीन साहब को और उनके वकला को और पार्टी लीडरशिप से मिलने की इजाज़त नहीं देते, और जबकि अदालत ने हुक्म दे रखा है, एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी के अकॉर्डिंगली ये सारे काम होते हैं, और इमरान खान साहब तक एक फहरिस्त जाती है, वो फिर मुलाकात की इजाज़त देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जिसे मिलना चाहते हैं तो उनके नाम काट दिए जाते हैं, तो ये भी शोएब शाहीन साहब ने बताया। तो लिहाजा सिविल इंतजामिया के काम में हम मुदाखलत के बाद इमरान खान पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर पाते। जेल में इस पूरे प्रोसेस को ISI का कर्नल और मेजर देखते हैं, ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, और फ्रीकैन की बदनीयती की वजह से जो है इलेक्शन के दिनों में जो टिकट तकसीम होने थे वो भी सही तरीके से प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, हालांकि अदालत ने इस बात का हुक्म दिया था इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दफा को सिविल इंतजामिया के उमूर में मुदाखलत से रोका जाए, और दरख्वास्त में वजारत दाखिला हुकूमत पंजाब को बदरी होम सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है और सेंट्रल जेल अडयाला के सुप्रिंटेंडेंट और वजारत दफा भी फ्रीकैन में शामिल है। तो ये सूरत हाल चल रही है, देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।